हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर कई बार बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ये आपके पढ़ने और लिखने दोनों ही समय उपयोग में आने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप ना करें। सामने जो वाक्य दिए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। रुको मत लिखो। आपने यहाँ क्या देखा बच्चों? कॉमा के स्थान बदलते ही वाक्य का अर्थ यहाँ पे बदल गया। जैसा कि आपने देखा, पहले वाक्य में लिखने से मना किया जा रहा है, दूसरे वाक्य में लिखने को कहा जा रहा है। चलिए बच्चों, जान लेते हैं आज जिस विषय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं विराम चिन्ह। इस टॉपिक में हम विराम चिन्ह की परिभाषा, उसकी आवश्यकता और उसके उदाहरण सब कुछ जानेंगे। सर्वप्रथम विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं, यह आखिर होता क्या है। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय हमें बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इसी ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ जानने के बाद चलिए हम इसकी आवश्यकता के बारे में भी जान लेते हैं, यह क्यों जरूरी है। विराम चिन्ह की आवश्यकता। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम कार्य करते करते थक जाते हैं तब मन आराम चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है। आइए सरल शब्दों में जाने। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और अपने प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसी को विराम कहते हैं। इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं, दूसरे वाक्य में रुको के बाद अल्प विराम लगने से रुकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रुको मत के बाद अल्प विराम लगने से किसी को ना रोक कर जाने के लिए कहा गया है। तो आपने देखा अल्प विराम का स्थान बदलते ही अर्थ किस प्रकार परिवर्तित हो गया। चलिए इन चिन्हों को देख लेते हैं, ये कौन से चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इन विराम चिन्हों को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे हम एक एक करके सभी विराम चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इसको उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहला है हमारा अर्धविराम। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। या जब एक वाक्य अनेक छोटे वाक्यों को मिलाते हैं तब उन छोटे वाक्यों के बीच में भी यह चिन्ह लगाया जाता है। चलिए उदाहरण सहित समझते हैं। काम पूरा कर लो,
उसके बाद चले जाना। खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। कोई भी रंग रूप से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्मों से होता है। सच तो सच है, झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। बच्चों, आपने देखा, यहाँ हमने अर्धविराम का प्रयोग वहाँ किया है जहाँ पर वाक्य अधूरा है या हमें कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले विराम चिन्ह की ओर। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों, अल्प मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा मतलब कुछ समय के लिए जब रुकना पड़ता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। आपने देखा, अल्प विराम का प्रयोग हमने अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया। अल्प विराम का प्रयोग और भी कई स्थितियों में किया जाता है, जैसे वाक्य में जब किसी को संबोधित करके कोई बात बोली जा रही हो तब उस संबोधन शब्द के बाद भी अल्प विराम लगाना चाहिए। राम, इधर आओ। मित्र, परिस्थितियां तो सब जगह एक सी ही है। माँ, कोई कहानी सुनाओ ना। बच्चों, आपने उदाहरण में देखा, राम, मित्र और माँ को संबोधित करने के बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अल्प विराम और भी कई स्थानों में प्रयोग किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य के शुरू में हाँ, नहीं, कहो, लाओ आदि शब्द आते हैं तो इन शब्दों के बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। कहो, कैसे आना हुआ? नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। हाँ, मैंने सबको कार्यक्रम के बारे में बता दिया। आपने यहाँ देखा, कहो, नहीं और हाँ के बाद भी हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। बच्चों, एक और स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, क्या आप जानते हैं? चलिए इसे भी देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में जब, तब, तो, और, वह, वे शब्द का प्रयोग होना चाहिए परंतु नहीं होता तो वहां भी बाद में अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। तुम जो चीजें लाए थे कहाँ हैं? जब परिश्रम करोगे फल मिलेगा ही। यहाँ पर आपने देखा, वे और तो इन वाक्यों में लगने थे परंतु नहीं लगे, इसीलिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले विराम चिन्ह की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। बच्चों, आपने देखा, वाक्य पूरा होने के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। आगे हम अपने अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़ते हैं, जो है उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो हम वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं। प्रदूषण, एक अभिशाप, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, यहाँ हमें प्रदूषण और विज्ञान को अलग दिखाना था, इसीलिए हमने उपविराम का प्रयोग किया। आप चिन्ह को देख सकते हैं बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले विराम चिन्ह की ओर, जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्दों से पहले किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हाय, आह,
अच्छी, अरे शाबाश, हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। अगला विराम चिन्ह है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, यहाँ हमने क्वेश्चंस पूछा है, प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला चिन्ह है हमारा कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। विश्वामित्र क्रोध से कांपते हुए, ठहर जा। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। यहाँ पर आपने देखा बच्चों, धर्मराज ब्रैकेट में या कोष्ठक चिन्ह के अंदर युधिष्ठिर का नाम लिखा गया है, क्योंकि युधिष्ठिर को ही धर्मराज भी कहा जाता था। हमारा अगला चिन्ह है योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हाइफन भी कहा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन आदि। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। हमारा अगला विराम चिन्ह है अवतरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नहीं। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, राम, इनके वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखा गया है, जैसा इन्होंने कहा था, इसीलिए हमने अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। पढ़ते हैं हम अपने अगले विराम चिन्ह की ओर। लाघव चिन्ह, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। अब चिन्ह देख सकते हैं बच्चों। उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर के आगे पंडित के लिए, इंजीनियर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। अब चिन्हों को देख सकते हैं किस प्रकार हमने डॉक्टर, पंडित, इंजीनियर और उत्तर प्रदेश लिखा है। अगला चिन्ह है हमारा पदलोप चिन्ह। यह चिन्ह भी आपने अपने पुस्तक में कई बार देखा होगा। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम ने मोहन को गोली दी, मैं सामान उठा दूंगा पर मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। हमारा अगला चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों को कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। आम के निम्न फायदे हैं। संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं। वचन के दो भेद हैं। आपने लिखते वक्त कई बार इस चिन्ह का प्रयोग किया होगा। अब आप इसके प्रयोग के बारे में भी जान गए होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले चिन्ह की ओर। हमारा अगला चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, मतलब अंडरलाइन। इसका भी प्रयोग आपने बहुत बार किया होगा। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। हमारा अंतिम चिन्ह है विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटिपूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, राम कल जाएगा,
कल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग किया है। श्याम में रहता है, घर में रहता है, विद्यालय में रहता है। यहाँ भी हमने देखा श्याम के बाद कोई शब्द नहीं लगा है जिसे त्रुटि पूरक चिन्ह के द्वारा बताया गया है। राम बहुत मेहनती लड़का है, यहाँ पर भी शब्द गायब है जिसके स्थान पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगाया गया है। मैंने तुमसे वो बात डेथ कही थी, यहाँ पर भी कही नहीं लिखा है, इसीलिए त्रुटि पूरक चिन्ह के द्वारा समझाया गया है। आशा करती हूँ बच्चों आपने विराम चिन्ह से संबंधित पूर्ण जानकारी आज प्राप्त कर ली होगी। अब आप अगली बार वाक्य को पढ़ते या लिखते समय इन चिन्हों का प्रयोग सही तरह से करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।